नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? क्या हाल चाल है? कैसी चल रही आपकी स्टडीज? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस तरीके का आपका प्रिपरेशन चल रहा है। अब मेरे ख्याल से शायद 2-3 दिन तो आप लोग थोड़े ठंडे पड़ चुके होंगे रिगार्डिंग प्रिपरेशन। त्यौहार का थोड़ा टाइम आ गया है, बट फिर भी जिस तरीके से खाना हम लोग कुछ भी हो जाए खाते ही है ना, तो उस तरीके से 1 घंटा आप स्टडी के लिए जरूर निकालिएगा, फिर चाहे कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी फंक्शन हो। तो आपके लिए एटलीस्ट 1-2 घंटे निकालना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद हमें एग्जाम भी देना है। ओके, तो जैसे आपने थंबनेल देख लिया है कि आज हम करने वाले हैं SST का पेपर 4, जिसमें हम करेंगे सेक्शन D। ओके, एंड बाकी 5 और 6 के A सेक्शंस अपलोड हो चुके हैं, रेस्ट मैं बहुत जल्दी से अपलोड कर लूंगी। तो आइए देखते हैं कि पेपर 4 के सेक्शन D में हमसे क्या सवाल पूछे गए हैं, और वीडियो कैसा लगता जाए आपको बीच बीच में थोड़ा कमेंट करके बताते जाइएगा। तो आइए देखते हैं कि 47 क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। स्टेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एशियन इंडिया टू द एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी में इंडिया का क्या योगदान रहा है? देखिए, एस्ट्रोनॉमी जो है वो बहुत पुरानी साइंस है। बहुत सारे ग्रंथ, ओके, मैनी ग्रंथ रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी हैड बीन रिटन इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं उसके ऊपर। अगर पुरानी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उन्होंने तो लिटरली बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक और डीप स्टडी भी की है एस्ट्रोनॉमी के अंदर। इंडियन स्कॉलर्स ने स्टडी की रिगार्डिंग द प्लैनेट्स, उनके मूवमेंट्स, कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, जो स्टार्स का ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स, वो ऐसे अरेंज होता है कि उसमें कोई ना कोई अपन को शेप नजर आता है। ठीक है, जैसे आपने बचपन में रीड किया होगा स्टैंडर्ड 8 वगैरह में। ठीक है, जैसे पोलार ना, बियर, डाइपर, ऐसे करके उनके कुछ शेप्स आते हैं, तो उसको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं हम लोग। और भी बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि मीटियोराइट्स हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के कैलकुलेशंस के हिसाब से उन्होंने उनकी स्टडी की है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अर्थ जो है वो पूरा सन के आगे चक्कर लगाता है, तो उसे अर्थ तो लगाता नहीं है, देयर आर अदर 8 प्लैनेट्स ऑल्सो। ठीक है, तो वो सारे के साथ चक्कर लगाता है, तो उनके टाइमिंग में क्या है पूरा, तो ये पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू बहुत टाइम पहले ही हमारे इंडियन स्कॉलर्स ने बताया हुआ है। उनके कैलकुलेशंस के आधार पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में ऑलरेडी हो चुका है। दे ऑल्सो यूज सेवरल प्रेडिक्शंस बाय स्टडिंग द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। ठीक है, और यहाँ तक कि प्लैनेट्स के मूवमेंट के हिसाब से उन्हें प्रेडिक्शन भी किया है। कुछ प्रेडिक्शन हम लोग एस्ट्रोलॉजी में ले लेते हैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि भाई इस ग्रह में चंद्र आ गए हैं, ठीक है, केतु आ गए हैं, तो वीनस आ गए, ऐसे करके कुछ आता है, उसका प्रभाव क्या पड़ जाएगा, दैट इज इन द एस्पेक्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। बट अगर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमी के एस्पेक्ट में, तो जैसे हम कहते हैं ना कि साइक्लोन आना, ओके, टाइड्स आना, सुनामी आना, वेदर का चेंज होना, ये सब भी बहुत ज़्यादा इनका ही रोल होता है, सीधी सी बात है। ओके, तो वो प्रेडिक्शंस अंदाजा आ जाता है बाय द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट्स। आर्यभट्टा जी ने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम किया है, स्पेशली जो हम कहें तो इंडिया का पहला सैटेलाइट जो है वो आर्यभट्टा जी के नाम पर ही लॉन्च किया गया था। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने कहा है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट भी करता है। देखो, 2 पॉइंट्स होते हैं, रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन। रिवॉल्यूशन मतलब कि सन के इर्द गिर्द घूमना, ठीक है, और रोटेशन इसका मतलब कि खुद भी, ठीक है, खुद में भी गोल 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 घूमते 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 रिवॉल्यूशन करना। तो जब खुद में घूमते हैं, ओके, तो उसको अपन कहते हैं यहाँ पे रोटेशन। तो अपनी खुद की एक्सिस पे जो अर्थ है वो रोटेट करता है। उसके अलावा इन्होंने ये भी प्रूव किया था कि लूनार एक्लिप्स जो है वो बेसिकली अर्थ का ही शेडो है। और उसके बाद सी ही वॉज ए इंडियन स्कॉलर, संस्कृत भाषा वो पढ़ते थे, इसके लिए उन्होंने लूनार एक्लिप्स को जो नाम, जो शेडो आया था, उसका नाम दिया था अजर्बर। फिर आते हैं ब्रह्मगुप्ता। ओके, ब्रह्मगुप्ता जी की किताब जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिनका नाम है ब्रह्म सिद्धांत, ओके, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। एक्चुअली आपको बताऊँ, न्यूटन अंकल तो बहुत लेट आए थे, ठीक है, वो बहुत लेट पैदा हुए थे, उसके पहले ब्रह्मगुप्ता जी ने, अगर हम ये कहते हैं ना, तो 1000 साल पहले, ओके, 1000 ईयर्स पहले की अगर अप्रोक्सीमेट काउंटिंग करें, तो ब्रह्मगुप्ता जी ने ग्रेविटेशन के बारे में बता ही दिया था, जिसकी उनकी किताब के अंदर उन्होंने बताया था। नाम नहीं दिया था, बट एक बताया था कि एक शक्ति है, ठीक है, तो उन्होंने उसके बारे में पूरे कानून बताए थे। फिर अगर हम बात करते हैं तो उसके बाद 500 साल के बाद, ठीक है, 500 साल के बाद दूसरे एक सेज आए थे, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने फिर बताया था कि ब्रह्मगुप्ता जी ने जो बताया था, ठीक है, उस हम जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोग आकर्षक का नाम देते हैं, और जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है, इस तरीके से उनका काफ़ी डीप स्टडी है। उसके 500 साल के बाद तो न्यूटन जी पैदा हुए थे, समझ रहे हो, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन हम 9th में करते हुए आए हैं, ओके, अब दुनिया मान रही है, बट एक्चुअली, ओके, अगर आप उनके ईयर्स को देखें ना, तो सबसे पहले हमारे इंडिया में ही इस चीज़ की खोज हो चुकी थी। फिर हम बात करते हैं वहामिहिर, ओके, ही वॉज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर एंड द एस्ट्रोनॉमर,
और उनकी एक ग्रंथ है जिनका नाम है बृहद संहिता, और उसके अंदर उन्होंने प्लैनेट्स का इफेक्ट प्लैनेट्स का इफेक्ट हमारे फ्यूचर के ऊपर, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एनिमल्स के क्लासेस, टाइम ऑफ मैरिज, टाइम ऑफ बर्थ, ओके, गार्डन्स, इन सब के ऊपर उन्होंने एक्सपर्टाइज कर ली थी देखा जाए तो वो पूरा उन्होंने लिखा हुआ है। ओके बच्चा, तो दैट इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या क्या योगदान हुआ है हमारे भारत की तरफ से। अब बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोग्रेस मेड बाय द एशियंट इंडिया इन द मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या क्या हम लोगों ने प्रोग्रेस किया था। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यहाँ पे आर्यभट्टा जी की, सीधी सी बात है, पहले तो वही आ जाते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्टा डिस्कवर्ड जीरो, वेयर एज द नॉलेज ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड। अब जीरो तो उन्होंने किया था, ठीक है, अब बेसिकली फिगर्स के बाद जीरो लिखने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, वो डिस्कवर की थी बाय द सेज नेम द ग्रथ समर। ठीक है, उन्होंने पूरा बताया था कि अगर वन के पीछे जीरो एक लगाओगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, दो लगाओगे 100 हो जाएगा, तो ये जीरोस का पूरा खेल जो है वो उन्होंने बताया था। द एशियन इंडियन मैथमेटिक्स गेव द नेम्स ऑफ द नंबर्स फॉर्म बाय प्लेसिंग अप टू 53 जीरोस आफ्टर वन। एक वन के बाद 50, लाइक मैंने कहा वन के बाद एक जीरो 10, वन के बाद दो जीरो 100, 3000, तो ऐसे जो नाम है 53 जीरोस तक उन्होंने नाम बताए हुए हैं, सोचो। आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, मोहनजोदड़ो, जो हमारा हड़प्पा और इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, तो वहां पे लिटरली उन चीजों को मेजरमेंट करने के लिए, उनको वेइंग करने के लिए डेसिमल सिस्टम का यूज किया था। ठीक है, उस टाइम पे डेसिमल सिस्टम का यूज किया गया है, सोचिए। मेधातिथि, जो ग्रीक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन है, उन्होंने डेसिमल सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया था। फिर बात करते हैं हम लोग भास्कराचार्य, उन्होंने किताब लिखी थी लीलावती गणित एंड बाय गणित इन 1150 AD। ही डिस्कवर द साइन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो पूरा बताया है। फिर बात करते हैं ब्रह्मगुप्ता जी के पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज था और उन्होंने हमें टाइप्स ऑफ इक्वेशंस बताए हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ओके, फिर हम बात करते हैं बोधगया ने हमें पाइथागोरस थ्योरम का एक अलग ही वर्जन दिया था। एंड अगेन आपको बता दूं मैं कि पाइथागोरस थ्योरम, हमारी जो किताब है शोभा सूत्रा, उसके अंदर पाइथागोरस जी के पैदा होने से पहले ही उसके बारे में सब कुछ डिटेल बता दिया था और वो थ्योरम पहले ही प्रूव हो चुका था अबाउट द हाइपोटेनियस बेस एंड परपेंडिकुलर का रिलेशन। वेल, अराउंड 800 BC अप्सतसंभा किताब रोट अ बुक कॉल्ड द शोभा सूत्रा, जो मैं आपसे बात ही कर रही थी। इन दिस बुक ही गेव द मेथड टू एक्यूरेटली कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग अल्टर्स नीडेड फॉर द सेक्रीफाइस। दी सेक्रीफिशियल पिट्स वर ऑल्सो कॉल्ड द यज्ञ वेदिक्स। ठीक है, जो भी हम लोग जिसको हम यज्ञ कुंड कहते हैं ना, ठीक है, तो उस तरीके की आहुति लगाना ना, तो उसका पूरा मेजरमेंट उस किताब में पूरा लिखा हुआ है शोभा सूत्रा के अंदर। आर्यभट्टा को हम लोग फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं और उनकी जो किताब है आर्यभट्टम, उन किताब के अंदर उन्होंने हमें पाई के लिए बताई 3.14 अप्रोक्सीमेटली 22.7। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि पाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट ही रहेगी, 3.14 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लायर है सर्कमफेरेंस और डायमीटर का। ठीक है, डायमीटर बढ़ता जाएगा, सर्कमफेरेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो उसका जब रेशियो लोगे तो यू विल गेट द सेम वैल्यू एवरी टाइम। उन्होंने हमें अष्टांग मेथड के बारे में बताया था, ठीक है, जिसको आजकल हम लोग वैदिक मैथ कहते हैं, कि मल्टीप्लीकेशन ना माइंड से ही आप मल्टीप्लीकेशन करना सीख लो, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ओके, तो ये जो भी हम लोग आजकल ट्रिक टिप्स इन सब की बात कर लेते हैं ना, आइए हम बताते हैं कि ये ट्रिक्स आप ये, तो ये सारी ट्रिक्स जो है वो और कुछ नहीं, वैदिक मैथ का ही नॉलेज है। ठीक है, आर्यभट्टा जी ने एक कुछ किताबें लिखी थी जैसे कि दशगीति का एंड आर्यभट्टम, और उन्होंने बहुत सारे अर्थमेटिक और ज्योमेट्री के सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट किए थे। उसके अलावा बहुत सारे और स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था इन द मैथमेटिक्स, उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारा उन्होंने वर्क किया है। उनमें से जो दो स्कॉलर्स हैं उनका नाम है कत्तायन और भास्कराचार्य। ठीक है बच्चों, अब ये फेमस नाम है, सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग इनके ही डिसिपल्स भी तो होंगे जिन्होंने इस पर काम किया होगा आगे जाकर, तो अब इतना सब तो बता नहीं पाएंगे, तो ये मेन मेन आपको चीजें बताई हुई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 49, डिफ्रेंशिएट बिटवीन खारिफ क्रॉप एंड द रबी क्रॉप। ओके, अब चार मार्क का है, चार डिफ्रेंशिएशन, आदि आदि मार्क आगे पीछे हो गए, आपको 4 मार्क्स का रहेगा। अब खरीफ क्रॉप मॉनसून क्रॉप है और रबी क्रॉप विंटर क्रॉप है। अभी क्या चल रहा है, ठंड चल रही है, तो रबी क्रॉप याद कर लेना। ठीक है, अभी क्रॉप्स मॉनसून क्रॉप है, इसके लिए वो रेनी सीजन में ही ग्रो होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स।
और वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो होते तो उसको हम कहेंगे रबी क्रॉप्स। सिंपल सी बात है, जो क्रॉप्स का ड्यूरेशन होता है, आप खुद सोचो कि बारिश कब से आना शुरू होती है, जून जुलाई से, जून से अपन प्रेडिक्ट करना शुरू करते हैं तो इसके लिए जून जुलाई से होती है, खत्म कब होती है अक्टूबर नवंबर में जब ठंडी आना शुरू हो जाती है, तो अक्टूबर नवंबर तक इनका पूरा टाइम रहता है। लेकिन इसकी जून जुलाई जो होता है वो सोइंग मेथड होता है, उसको पोखना और हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है वो अक्टूबर नवंबर होता है। सेम रबी क्रॉप्स के लिए अक्टूबर से लेकर अप्रैल, जैसे अभी अक्टूबर आया ना दिवाली, तो ये खत्म होगा तो नवरात्रि दिवाली के आसपास का समय होता है, फिर वो ठंडी वाले क्रॉप्स को ग्रो उसके बीच डालना शुरू करते हैं, ताकि जैसे ठंडी आए तो फिर वो ग्रो करेंगे, और गर्मी आते आते अप्रैल में गर्मी आ जाती है फिर से, ठीक है, तो गर्मी आते आते वो उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। जो एग्जाम्पल है पेडी, मेज, जुआर, कॉटन, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं, वीट, ग्राम, बार्ली, ये सारे रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट, इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन? अब बेसिकली ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ड्रास्टिक बदलाव आया था, ठीक है, तो ये पूरा इसके ऊपर है, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जबरदस्त उछाल आ गया था बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड सीड्स, सीड्स की क्वालिटी हम लोगों ने इम्प्रूव कर ली, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर लिया, फार्मर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और इरीगेशन के तरीके अपन ने बदल दिए थे, जिसकी वजह से, ठीक है, उस एरा को अपन कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये तकरीबन अगर हम कहें इन द डेके ऑफ 1960, ठीक है, 1960 के आसपास की कुछ बात है। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ऐसा था बेटा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले हमारी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी फूड ग्रेन्स के ऊपर। देखो 1947 में तो देश आज़ाद हुआ था, ठीक है, फिर धीरे धीरे थोड़ी चीज़ें संभालना और ये सब करना, तो उस दौरान, ठीक है, अपनी इंडिया की किस्मत ख़राब थी कि अकाल वकाल भी आ गई थी, ये सब हो गया, तो जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स उतना, लाइक फूड इतना पहुँच ही नहीं पा रहा था लोगों के पास, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। इंस्पाइट ऑफ बींग एन एग्रियन कंट्री, ठीक है, जबकि हमारी कंट्री जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, फिर भी इंडिया को जो है वो फूड ग्रेन्स को इम्पोर्ट करना पड़ गया था, ये हालत हो चुकी थी। बट फिर ये सब चेंज हुआ आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, कि भैया एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना है कैसे भी करके, तो उसके लिए फार्मर्स वर एनकरेज टू यूज द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, आजकल की दुनिया में जिसको हम लोग कहते हैं कि अरे रे इंसेक्टिसाइड्स है, केमिकल्स, पॉल्यूशन, ये वो, बट यही सारी चीजें एक टाइम पे हमें मददगार साबित हुई, क्योंकि एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ तो जो लोग भूखमरी के कारण मर रहे थे ना, उस पे जो सरकार है उनको खाना पहुंचा पाई थी, तो उस टाइम के लिए तो ये भैया बून की तरह काम किया था। अभी हम इसको कर्ज मान लें, ठीक है, बट उस टाइम में तो बून की तरह था ये, बिल्कुल आशीर्वाद मिला था समझो एक तरीके का हमारे इंडिया को, जब उनको नॉलेज आया था फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सब के बारे में, जिससे क्या हुआ ना कि जो हमारे क्रॉप्स सड़ जाते थे, खराब हो जाते थे ना, तो अपन इंसेक्टिसाइड्स लगा रहे हैं, मतलब वो दवा छिड़क रहे हैं या क्या, तो इससे क्या होगा ना, इससे ये हुआ कि क्रॉप्स का सड़ना कम हो गया, तो क्रॉप्स को अपन सेव कर पाए, इन शॉर्ट, ठीक है, अपन सेव कर पाए, और बाय द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स हमने प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर ली, हमने हमारी लैंड को फर्टाइल कर लिया, मतलब कि उसके अंदर एनर्जी डाल दी, ठीक है, और वो ताकत से काम करने लग गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से वीट और राइस का प्रोडक्शन जम के हुआ था। आपको पता है हमारे इंडिया में यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा खाई जाती है, ठीक है, कहते हैं कि गरीब को रोटी और प्याज दे दो ना तो एटलीस्ट वो पेट भर सकता है, ठीक है, ये कहावत थी हमारे बुजुर्गों की। तो चावल और गेहूँ, ठीक है, ये मेन हमारे यहाँ पे स्टेपल फूड की तरह माना जाता है, और उसके बाद हम क्या हो गए, हम हो गए सेल्फ सफिशिएंट, मतलब हमारे पास इतना खाना है कि अभी हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है। द सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन इज अ लैंडमार्क ऑफ द हिस्टोरिक अचीवमेंट, ठीक है, ये लिटरली एक एक टाइम जहां पे देश भूखा मर रहा था और उसके 10 साल के अंदर इतना प्रोडक्शन हो गया कि हम सबको दे भी रहे हैं, स्टोर भी कर रहे हैं, ठीक है, और हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, तो ये इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ था। There was a time when famine was a regular problem. मैंने कहा ना अकाल वकाल आती रहती थी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम थी हमारे इंडिया के ऊपर। This terror had almost vanished after the Green Revolution. ठीक है, Green Revolution आने के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो गई। So, जो major reasons हमने ये जो डर था हम लोगों को कि खाना नहीं मिलेगा, तो एक तो हमने क्या किया, हम लोगों ने irrigation facility के अंदर improvement कर लिया, ठीक है, दूसरा प्रोडक्शन इतना अच्छा किया कि यूज बफर स्टोर, बफर मतलब कि सरप्लस, मतलब ज्यादा अमाउंट ग्रो हो गया जिसको हमने गोडाउन में स्टोर किया, उसको बफर स्टॉक कहते हैं, ठीक है, तो ये सब होने लगा, तो ये दो चीजें अपन ने अचीव कर ली, सोचो।
ठीक है, डन, ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग मेथड इन डिटेल्स. ठीक है, चलो तो डिस्क्राइब कर लेते हैं फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे यहाँ पे. कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताते जाइए. थोड़ा सा पॉज कर दीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर रिज्यूम कीजिए वीडियो को, क्योंकि लेक्चर लेना बहुत जरूरी है. तो अब हमसे वो पूछा कि फार्मिंग मेथड्स बताइए. तो सबसे पहला फार्मिंग मेथड आता है बच्चा जी ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है. देखो, अब पहली बात तो जैसे अभी भी मैंने क्या बोला कि एक टाइम पे केमिकल फर्टिलाइजर ये सब हमारे लिए आशीर्वाद की तरीके से आए थे, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया. बट अभी वो नुकसान कर रहे हैं, तो अभी हम फिर से जा रहे हैं वो पुराने वाले साइकिल की तरफ, विच इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक फार्मिंग. अब क्या है ना, द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स आर यूज. ठीक है, अब हमसे प्रॉब्लम क्या हुई है, हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज बहुत ज्यादा कर लिया है. देखो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज इंजुरियस. ठीक है, ये चीज मान के चलो. अगर हम चाय भी ज्यादा पीते हैं तो वो भी तो खराब ही है ना, तो चाय में कहाँ कोई केमिकल डलता है, पर फिर भी सेहत के लिए खराब होती है. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब हम हद से ज्यादा करते हैं ना बच्चा, तो वो खराब हो जाती है. तो उस तरीके से हम लोगों ने अब ना पूरे के पूरे हम निर्भर हो गए फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स के ऊपर, जिसकी वजह से केमिकल्स ने हमारे सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट डाल दिया. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट हो रहे हैं, और स्पेशली लोगों की हाइजीन. ठीक है, क्योंकि अभी केमिकल ज्यादा पेट में जा रहा है, न्यूट्रिशन कम जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम आ गई. मोर डैमेज इज कॉज टू द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट के ऊपर भी असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सीधी सी बात है. जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी, ठीक है, मतलब उसकी खुद की ताकत तो चली गई है, उसकी कैपेसिटी चली गई है, उसकी फर्टिलिटी चली गई है क्रॉप्स को ग्रो करने की. तो इन सब से निवारा पाने के लिए, ठीक है, छुटकारा पाने के लिए हम लोगों ने किसको अपनाया, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाया. तो वो पहले वाला पूरा स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन कर रहा है. अब ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या, हम उसकी बात कर रहे हैं मेन. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो मेथड है जहां पे इन विच यूरिया या कोई भी फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड्स नहीं यूज किया जाता है. ठीक है, प्योर, बिल्कुल प्योर तरीके से इसको उगाया जाता है. फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप को काउडंग, अर्थवॉर्म में हमने वर्मी कंपोस्ट कहते हैं. ठीक है, वो फर्टिलाइजर, कंपोजिट फर्टिलाइजर, ऐसी चीजें यूज की जा रही हैं. काउ यूरिन, ठीक है, नीम के पत्ते ग्राइंड करके बटर मिल्क, ये सारी चीजें जो है वो यूज कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. आपको पता है नीम के पत्ते इतने ज्यादा असरदार होते हैं ना कि उसके आगे पीछे कभी भी कोई मच्छर आपको मंडरा दे वो दिखेगा नहीं. ठीक है, ताकि जो भी प्रोडक्ट्स निकले ना वो कैसे निकले, फुल ऑफ न्यूट्रिशन, नेचुरल टेस्ट हो उनके अंदर, स्वीटनेस भी जो नेचुरल होती है वो. ठीक है, इंजेक्शन डाल के एप्पल को मीठा करना वैसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, उनकी खुद की फ्रेग्रेंस, मिनरल्स, विटामिंस, ठीक है, एलिमेंट्स, ये सारे क्रॉप में भरपूर है, वो भी सारे के सारे नेचुरल तरीके से. तो इसके लिए आजकल, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा डिमांड में है. बट अब सीधी सी बात है, इसमें एक नॉर्मली मैं आपसे एक डिस्कस कर रही हूँ कि इसको उगने में टाइम तो लगेगा ही लगेगा. ठीक है, इसके लिए इसका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना हमारे पूरे 140 करोड़ लोगों की तरफ पहुंच पाए. दूसरी बात, इसका कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता है क्योंकि इट टेक्स टाइम ना, तो उतना मेहनत और समय का पैसा वो सबको लगता है ये. तो इसके लिए ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है कंपेरिजन टू द नॉर्मल थिंग जो हम कंज्यूम करते हैं. तो इसके लिए अभी तक मिडिल क्लास लोग इस चीज को इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. जस्ट एक शेयर कर रही हूँ पॉइंट. ओके, फिर हम बात करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग. सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब क्या होता है. अब इन ऑर्डर टू सी द सॉइल फर्टिलिटी इज रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, केयर इज टेकन फॉर द क्रॉप रोटेशन. ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भैया एक काम करते हैं ना, हम ना हमारे सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, जो उसकी जान है, ओके, उसकी उसको हम लोग लंबे समय तक अगर हमसे बरकरार रखना है तो हम क्या कर सकते हैं. तो एक काम कर लो, क्रॉप रोटेशन कर लो. मतलब देखो, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई 3 महीने एक क्रॉप उगाओ. ठीक है, या तो फिर साल साल में आप कर लो. एक साल आपने वीट उगाया, नाउ नेक्स्ट ईयर आप राइस उगा दो. ठीक है, उसके बाद आप कोई ना कोई पल्सेस उगा दो. मतलब क्या करो, मतलब कि आप ना जो क्रॉप है ना उसकी वैरायटी चेंज करते जाओ, उसको रोटेशन कहते हैं. फिर आप सीजन वाइज चेंज कर सकते हो. आप लाइक वी हैव द 3 seasons ना, तो आप सीजन वाइज चेंज कर सकते हो. आप ना इसके क्या बोलते हैं, ईयर टू ईयर चेंज कर सकते हो, जो भी आपकी मतलब जो भी फार्मर की अवेलेबिलिटी में होता होगा. ताकि क्या होगा ना कि जब नई नई चीजें, ठीक है, नई नई क्रॉप्स अगर जब सॉइल को दिए जाएंगे ग्रो करने के लिए, उसके मजा आएगा कि हाँ चलो आप इसको ग्रो करना है. ठीक है, तो इस तरीके से अब आप सोचो, आपको रोज मम्मी दाल चावल खिला दो, एक टाइम तो पक जाओगे मम्मी अब मैं थक गया हूँ, ठीक है, मुझे कुछ और खिला दो, होता है ना. तो यही बात हमारे सॉइल के साथ भी है. ओके, तो अगर जरूरत पड़े तो हम बायोटिक कंट्रोल्स ले सकते हैं, मतलब यूज ऑफ बायोटिक कंट्रोल्स इंसेक्ट्स और हार्वेस्ट वाटर कंजर्वेशन के लिए भी. तो दैट इज सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब कि हम अपनी अपनी लैंड को सस्टेन कर रहे हैं.
जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल सिंपल शब्दों में। ओके, फिर आता है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर, फिशरी, ठीक है, ये सारे के सारे फार्मिंग के साथ इंक्लूड कर लो, उसको बन कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। जो हम लोग देखते भी हैं, फार्मर्स करते भी, एज एन एडिशनल इनकम उनको हो जाता है ना, ठीक है, इस हिसाब से। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी अंडर द माँ अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत, ठीक है, क्या क्या किस टाइप की सिक्योरिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो पहली बात तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा जो है वो हम एक माता है, ठीक है, जिनको हम पूछते हैं और हम ये मानते हैं कि वो खाना प्रोवाइड करती हैं हमें। तो इनका यही काम है टू सप्लाई फूड ग्रेन्स टू द पुअर एंड नीडी पीपल, मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, जो अर्बन और रूरल दोनों एरिया में होती है, एट सब्सिडाइज्ड रेट। सब्सिडाइज मतलब कि मिनिमम प्राइस, ठीक है, कम प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो शायद करते भी नहीं होंगे, ठीक है, इसको मिनिमम प्राइस कहते हैं। अंडर दिस प्रोग्राम जो पुअर फैमिलीज हैं या तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग रहते हैं उनको 35 केजी फूड ग्रेन्स पर फैमिली एवरी मंथ दिया जाएगा बाय द गुजरात गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट ने ही निकाला है मां अन्नपूर्णा योजना। जो पुअर और मिडिल क्लास हैं, ठीक है, उनको 5 केजी ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत सस्ते भाव में दिया जाएगा, जिसके अंदर जैसे वीट है उनको ₹2 per kg और राइस है ₹3 per kg, सोचो, ठीक है, इतना सस्ता। एट फेयर प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स होते हैं ना जिसको हम राशन की दुकान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो उसमें 3.62 करोड़ पीपल उसके अंडर आते हैं जिनको फूड सिक्योरिटी बेनिफिट होता है, मतलब कि उनको राशन की दुकान से राशन मिल जाता है बहुत कम रेट में या फ्री ऑफ कॉस्ट। वो डिपेंड करता है बेटा उनके, लाइक उनकी ना पूरी लिस्ट बनती है, उनका एनुअल इनकम क्या है, ये क्या है, तो उस हिसाब से या कम पैसे या फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाटएवर, ठीक है, जैसा गवर्नमेंट का रूल चलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं। बिकॉज ऑफ विच, अब इससे क्या होगा ना कि जो लोगों का पैसा जो खाने पे खर्च होने वाला होगा बच गया, ओके, तो बाय बिकॉज ऑफ विच अ लार्ज सम ऑफ मनी स्पेंड ऑन द फूड विल बी सेव्ड, ओके, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे खुशी आएगी और थोड़ा बहुत उनका रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि अब ना उन पैसों से वो दूसरी और चीजों पर खर्चा कर सकते हैं जो उनकी सेविंग हो गई है ड्यू टू द फूड सिक्योरिटी। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द रीजंस फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस बताओ। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखो, अब पहली बात तो ये ना कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में एक्चुअली था ही नहीं। ठीक है, हमारी इंडिया शुरू से अगर आपका इतिहास देखो ना, तो वी आर द सेल्फ सफिशियंट, ओके, सबके सब इतने ज्यादा होनहार लोग थे ना, और सब अच्छे से रहते थे, अपना काम करते थे, कमाते थे, खाते थे, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आई थी। बट अब आते हैं हम लोग, प्रायर टू द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल आने से पहले इंडिया हैड अ सेल्फ सफिशियंट विलेज इकोनॉमी, जिसमें मैंने कहा, और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी उस टाइम पे तो था ही नहीं, ये अनएम्प्लॉयमेंट तो शब्द ही नहीं सुना था किसी ने उस टाइम पे। बट जैसे ही ब्रिटिश आए, द एक्सप्लोटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश अपरूटेड द फार्मर्स एंड मेड देम लैंडलेस लेबर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्हीं की जमीन पे उन्हीं को ही टैक्स देना है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, समझ रहे हो, ठीक है, मेरा ही घर है, मेरी ही जमीन है, और फिर भी मुझे इस घर में रहने का टैक्स देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। ब्रिटिश ने रूल निकाला था जिसकी वजह से, और इतना इतना ज्यादा लगान लेते थे उस टाइम पे कि जो ब्रिटिश थे ना, मतलब ये जो फार्मर से बेचारे लगान भर भर के कंगाल हो गए। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो उन्होंने लिटरली, अब क्या था, अब उनको भाई हमारी जमीन ही ले लो, वो ना वो क्या बोलते हैं, कर्जे के उसमें ट्रैप में घुस गए थे, वो कर्जा नहीं चुटका करवाए थे, तो उन्होंने अपनी जमीनें बेच दे दी, तो क्या बन गए, दे बिकेम द लैंडलेस लेबरर्स। ठीक है, मतलब कि अब उनकी जमीनें है नहीं और मजदूरी काम कर रहे हैं, ऐसा हो गया, बोलो। फिर आई नेचुरल कैलामिटीज के अंदर जो गरीब लोग थे या तो फिर जो गांव के लोग थे वो माइग्रेटेड हो रहे थे शहर के इलाके में अंदर, अब शहर ही जा रहे हैं कि भाई काम मिलेगा, काम मिलेगा, पर शहर के लोग भी तो काम वही कर रहे हैं और गांव के लोग भी वहीं आ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट की उसमें। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ, इसमें दो नुकसान हुए। पहला नुकसान ये हुआ कि जो हमारा गांव का जो सिस्टम था, ट्रेडिशनल विलेज जो हमारा था, ठीक है, गांव में मिलके रहना, अच्छे से खाना, ये सब करना, ये सब चीजें चली गई। ठीक है, बेचारे माँ बाप, बुढ़े माँ बाप जो है वो गांव में है, उनके बच्चे जो है वो शहर में जा रहे हैं काम की तलाश में, तो पूरा घर बिखर गया। तो एक तो ट्रेडिशनल विलेज पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो छोटी इंडस्ट्रीज गांव में काम करती है, जो क्राफ्टमैन थे वो बेचारे जॉबलेस हो गए। ओके, अब पॉपुलेशन तो बढ़ी रही है उतना तो, देखो अब ये प्रॉब्लम तो हमारे इंडिया की है कि पॉपुलेशन कंट्रोल में तो हमें शुरू से कोई ध्यान था नहीं, तो वो तो अपने हिसाब से, चलो ये एक कॉज आया। अब क्या हुआ, जब अर्बन एरियाज में
ठीक है, लोग काम करने पे गए तो लेबर बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो, सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा है, लोग खड़े में हमको काम दो, हमको काम दो, बट इतना काम है ही नहीं ना, क्योंकि अभी भी तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो शहर में इतना काम है ही नहीं कि इतने सारे लोगों को लेबर दिया जाए, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। इंडियन कैपिटलिस्ट डिड नॉट हैव मच कैपिटल टू स्टार्ट अ लार्ज नंबर इंडस्ट्रीज, ठीक है, अब अपने पास भी इतना पैसा तो था नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम 200 साल से तो ब्रिटिश के अंडर थे, ठीक है, तो इतना कोई पैसा था नहीं कि हम किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर पाए, प्लस नेचुरल कैलामिटीज ने एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम है वो और ज्यादा इंक्रीज कर ली। इंडिया डिड नॉट हैव टेक्निकली क्वालिफाइड इंजीनियर्स, अब बेसिकली हमारे यहाँ पे टेक्निकल वाला जो एजुकेशन था वो नहीं था, ठीक है, तो इंजीनियर्स टेक्नीशियंस वो उस टाइम पे थे नहीं जो इंडस्ट्रीज में उनको जॉब दी जाए मशीन पे काम करने की, तो ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो था, बेरोजगारी हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर मोर डिमांड ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया एंड मेजर्स टू प्रिवेंट इट, ठीक है, अब हमें ये बताना है कि भाई चाइल्ड लेबर इंडिया में इतना डिमांडिंग क्यों है और उसको कैसे हम रोक सकते हैं। देखो सबसे पहली बात तो है कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, अब सस्ता मतलब आप आपके पास 10 साल का बच्चा आ रहा है, ठीक है, उसको 50 रुपये आप दोगे तो बहुत काम हो गया, मतलब आप 250 रुपये का काम से 50 रुपये में निकलवा रहे हो, तो ये तो बेसिकली देखा जाए तो चीप लेबर आ गया ना, ठीक है, सस्ते में तुमको काम मिल गया। द एम्प्लॉयर्स आर एबल टू एक्सट्रैक्ट मोर वर्क, ठीक है, एक्स्ट्रा मतलब कि उनसे काम निकलवाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना कम से कम तनख्वाह में। चाइल्ड लेबर इज अनऑर्गेनाइज्ड एंड कैन नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, अब चाइल्ड लेबर जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड मतलब जैसे कैसे यूनियन बनती है, जो लेबर्स हैं उनकी यूनियन बनती है, ठीक है, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उनके यूनियन लीडर जो होते हैं वो एक्शन लेते हैं, स्ट्राइक पे चले जाना, ये अपने वर्ड सुने होंगे। अब चाइल्ड लेबर में ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि चाइल्ड लेबर तो इलीगल है ना, तो इसके लिए ये तो ऑर्गेनाइज है ही नहीं, तो जिसकी वजह से इसके लिए, ठीक है, कोई आवाज़ उठाने वाला होता ही नहीं है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। चाइल्ड लेबर इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक है, और चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है भी, ठीक है, और बच्चे मिल भी जाते हुए, गरीबी इतनी है ना, ठीक है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि माँ बाप बोलेंगे भाई तू जा, ठीक है, कम से कम दिन के 500 रुपये तो लेके आएगा, बैठ बैठ के क्या करेगा, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई में तो कोई रुतबा होता नहीं है भाई कुछ कर लें, ठीक है, तो इसकी वजह से वो जो माँ बाप है वो खुद अपने बच्चों को बोलते कोई चाय की किटली पे, ठीक है, कोई ढाबे पे, कहीं ना कहीं उनको वो प्लेस कर लेते ताकि इतना तो पैसा आ जाए। इलिटरेट एंड पुअर पेरेंट्स इन द रूरल एरिया सेंड देयर चिल्ड्रन टू वर्क फुलफिल द फैमिली नीड्स, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। दूसरा, अब क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, तो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स निकाले हैं, जैसे कि नो चाइल्ड बिलो 14 इयर्स विल बी एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, ठीक है, 14 साल से कम वाला बच्चा, एक्चुअली 15 साल से मानते हैं कि काम शुरू कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है, तो 14 साल से कम वाला बच्चा अगर किसी फैक्ट्री में कहीं पे भी काम करता हुआ पाया गया, ठीक है, तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा उस इंसान के ऊपर, यहाँ तक कि घर पे भी काम बोलते ना काम मेड की तरह काम पे अगर रखा है तो वो भी प्रॉब्लमेटिक है। अ चाइल्ड कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड इन एनी वे ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, ठीक है, उसके बचपन में या उसके टीनेज में उसको किसी भी तरीके से हम उसको उसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। ही कैन बी डिवाइड ऑफ मॉरल सिक्योरिटी एंड फिजिकल कम्फर्ट्स, ठीक है, और ही कैन नॉट बी डिवाइड ऑफ मतलब कि मॉरल लाइक सिक्योरिटी, उसके फिजिकल कम्फर्ट्स जितना हो उनको देना पड़ता है, देंगे। अब जैसे गवर्नमेंट ने खुद ने ऐसे कैसे मिड डे मील्स ये वो निकाल दिए हैं ताकि जितना पॉसिबल हो उन बच्चों को एटलीस्ट वो बचपन उनको दे पाएं, ठीक है, जहाँ पे वो अपने आप को ग्रो कर पाएं। इट वॉज क्लैरिफाइड विद इन द 10 ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नमेंट विल हैव अरेंज, ठीक है, इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन 14 साल तक कर ली, मिड डे मील दिया, जब फ्री एजुकेशन की ना फिर भी लोग नहीं जा रहे, ठीक है, क्या करेगा पढ़ लिख के, इसे जाके कमाएगा तो ये भी महीने के 3000 रुपये आ जाएंगे ऐसे करके, तो फिर लोगों को लुभाने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट कर लिया कि भाई चलो कम से कम खाने के बहाने तो बच्चे को भेज देंगे कि भाई चलो फ्री का खाना मिल रहा है एक दिन का, ठीक है, आके बच्चा खा ले तो हमारी इतनी टेंशन तो खत्म। ये इस तरीके से गवर्नमेंट ने लुभाने वाले काम किए हैं और ताकि बच्चे आए और हम उनको शिक्षा प्रदान करें। इन दिस रिगार्ड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड लॉ इन 2009 सो दैट की चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर शुड गेट द फ्री एजुकेशन कंपल्सरी। कम से कम उस बच्चे को इतना तो ज्ञान हो कि लिखना पढ़ना तो आ जाए तो उसको पता चले कि उसको आगे क्या काम करना है, ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिवेंशन। इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है बेटा, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सोशल चेंज, सोशल चेंज पे क्या क्या लाइक क्या मेन फैक्टर है, कैसे समाज में बदलाव आया है। देखिए द चेंज दैट अकर्स ओवर टाइम इन द सोशल ऑर्डर, ठीक है, सोसाइटी में समाज में जब बदलाव आता है तो कोई एक ही टाइम पे नहीं आता, इट इज अ ग्रेजुअली प्रोसेस, ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आता है उसको हम कहते हैं सोशल चेंज।
अब इसमें आपको बदलाव देखने को मिलेगा, सोशल इंस्टीट्यूशंस, बिहेवियर, रिलेशंस लोगों के साथ, इन सभी बदलाव देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, एक टाइम होता था, ठीक है, अगर आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो मतलब स्कूल से आते थे, ठीक है, कहीं पर भी किसी घर पर भी चले जाएंगे, आराम से मौज मस्ती करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनकी जो उनके दोस्तों की जो मम्मी होती थी वो लिटरली उनको अपना बच्चा मान के खिलाती थी, मतलब ये सब होता था। अभी आप देखो, यू आर लिविंग इन अ वेरी कन्फाइंड एरिया, अरे इससे बात नहीं करनी है, ठीक है, बी ए सोफिस्टिकेटेड पर्सन, ऐसे ऐसे बात नहीं करना, तो हम ये बदलाव आया, दैट इज सोसाइटी चेंज, ठीक है, इसको सोशल चेंज का नाम अपन दे सकते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करते हैं तो सोशल चेंज में हमें जैसे सोशल रिलेशनशिप्स, फैमिली अरेंजमेंट, कल्चर, हमारे रहने का तरीका, ठीक है, लिटरेचर, आर्ट, म्यूजिक, डांस, अभी हम लोग रैप सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, पहले के लोग क्लासिकल सॉन्ग सुनते थे, तो चेंज आ गया ना। तो सोशल चेंज इन इंडिया ऑल्सो अकर ड्यू टू द वेस्टर्नाइजेशन। हम तीन चीज़ों का मेन इसमें कहते हैं कि वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर आ गया, ग्लोबल होने लगा, ग्लोबल इसका मतलब कि यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आना जाना शुरू हुआ, शहरी इलाके बनने लग गए, ठीक है, तो ये सब चीज़, तो गांव धीरे धीरे पीछे 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 होता गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की अगर बात करते हैं बेटा, जैसे कि इंडिया, अभी आजकल हम लोग न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा पसंद करते हैं, भाई हम दो पेरेंट्स, ठीक है, हमारे दो बच्चे, बात खत्म, ठीक है, दादा दादी ये वो नहीं है, चाचा चाची, इतना ज्वाइंट फैमिली अभी किसी को पसंद नहीं आता है। इंटरकास्ट मैरिजेस अभी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, पहले ऐसा होता ही नहीं था। टेक्नोलॉजी आते आते, ठीक है, आजकल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा डिमांड हो गया है, ठीक है, जैसे आप लोग, अभी आपके पास मोबाइल है, हमने बचपन में सुना भी नहीं था इसके बारे में, ओके, तो आप अभी आप लोगों की दुनिया जो है वो मोबाइल, उसके अंदर की गेम्स, ठीक है, आपकी दुनिया वो बन चुकी है। और पहले की दुनिया ये होती थी कि शाम को 6 बजे जाना है, दोस्तों के साथ खेलना है और रात को 8 बजे आना है, पहले की दुनिया वो होती, तो पहले ऐसे खेला जाता था, अभी आप लोग पबजी खेल लेते हैं, ठीक है, फ्री फायर खेल लेते हो, तो ये सब चीज़ें होती है, तो बदल गया ना समाज, हमें अभी लग्जरी चाहिए, ठीक है। अभी 9th-10th वाले बच्चों में मैं देख लेती हूँ कि उनको ऐसा चाहिए कि अरे हमें तो एडिडास का शूज चाहिए, मतलब ब्रांड ओरिएंटेड हो गए हैं हम लोग, ठीक है, एंटरटेनमेंट का तरीका हमारा बदल गया है, यहाँ तक कि अभी ये सारी चीज़ें गांव में भी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल गांव था वो तो अभी रहा ही नहीं है कहीं पर। चेंजेस हैज ऑल्सो टेकन प्लेस इन डिज़ाइन, मटेरियल यूज, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि हमारे घर बनाने के अंदर भी बदलाव आ गया, ठीक है, बहुत बदलाव हुआ। पहले कहाँ मिट्टी के घर बनाते थे हम लोग, ना एसी की जरूरत होती थी, ना कुछ, ठीक है, ठंडी हवा यूं ही आती रहती थी, और अभी हमारे घर ऐसे बन गए जो पक्के मकान, ठीक है, तो देर आर चेंजेस, लोगों का जो लिविंग लाइक रहने का तरीका बदल गया है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बदल गई है, तो ये देखने को आया है कि वेस्टर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारी लाइफस्टाइल में होने लगा है। ओके, तो दैट इज अ सोशल चेंज। वेल, अब बात करते हैं मैप की, ठीक है, मैप में जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल कहाँ पर है, देखो मैंने दो दो नाम दिए हुए हैं जहाँ जहाँ मुझे लगा, तो MP, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो देखो बेटा ये मैंने लिखा भी है ब्रैकेट में, ब्लैक सॉइल और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। फिर आता है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लैटराइट सॉइल, ओडिशा और तमिलनाडु में है, ठीक है, तो ये ओडिशा और तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है, डन। अच्छा, अब ना ये तो मैंने पूरा मैप बना दिया है, तो पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से, ओके, तो आप मैंने सारे के सारे नाम साइड में लिख दिए हुए हैं कि भाई जैसे डाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है, और फिर उसका प्लॉटिंग भी किया है नीचे की तरफ, ओके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना आंध्र प्रदेश में है, तो एक बार आप ये देख लीजिए और उसके बाद मैं नीचे मैप दिखा देती हूँ, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ठीक है, और फिर अपने मैप में आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ओके। सो बच्चा, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, ओके, तो आप लोगों को SST के पेपर 4 पूरा खत्म हो चुका है, बाकी और भी पेपर्स प्रोवाइड करती जाऊंगी मैं, तो बस आप अच्छे से स्टडी कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को, और इस तरीके से और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में लाती रहूंगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आ जाए। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर।